प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को महाराष्ट्र के सातारा पहुंचे, जहां उन्होंने एक जनसभा में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। सरकार ने ही आरक्षण, जो पॉलिटिकल आरक्षण की व्यवस्था है, पहले जब अटल जी की सरकार थी तब उसका कार्यकाल बढ़ा दिया था, और जब मोदी को आपने अवसर दिया, मोदी ने फिर उस कार्यकाल को बढ़ा दिया। ये हमारा कमिटमेंट है। हमने ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा दिया, लेकिन कांग्रेस के इरादे क्या है ये हमने कर्नाटका में देखा है। क्या कर रहे हैं छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती से, मैं आपको जगाने आया हूं भाइयों। ये क्या खेल कर रहे, जरा चौंक जाएंगे आप सुनकर के। भारत का संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करता है। बाबा साहब आम्बेडकर धर्म के आधार पर आरक्षण की मनाही करते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, कर्नाटका में ओबीसी को जो आरक्षण मिला हुआ है 27%, उन्होंने रातों रात सभी मुसलमानों को ओबीसी घोषित कर दिया, एक फतवा निकाल दिया, कागज पर थप्पा मार दिया, और रातों रात ओबीसी के हक के जो 27% आरक्षण था उसमें से डाका डाला और अधिकतम उन्हीं को दे दिया। अब कांग्रेस संविधान बदलकर यही फॉर्मूला पूरे देश में लागू करना चाहती है। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।